गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और आपकी या आपके परिवार में किसी की दवाई चल रही है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हो सकता है कि जिस दवाई को आप ठीक होने के लिए खा रहे हों या किसी की जान बचाने के लिए दे रहे हों वो नकली हो। आपको बता दें कि गाजियाबाद औषधि विभाग और मोदी नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए मोदी नगर में चल रही दवाइयों के कारोबार पर छापेमारी कर 50 लाख की नकली दवाइयां बरामद की हैं। औषधि विभाग की टीम ने छापा मारकर मोदी नगर के गोविंदपुरी इलाके में चल रहे नकली दवाओं के गोदाम पर नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। नकली दवाओं का काम करने वाला मास्टरमाइंड रवि कुमार बताया गया है, जो कि मौके से फरार है। उसके पिता रूपचंद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। दरअसल औषधि विभाग के पास काफी समय से सूचना आ रही थी, नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है। जब औषधि विभाग की टीम ने गोविंदपुरी स्थित गोदाम पर छापेमारी की तो नकली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई। इन दवाओं का न तो कोई लाइसेंस मिला और न ही कोई रिकॉर्ड पाया गया। अब औषधि विभाग के साथ साथ पुलिस भी इस चीज की खोज करने लगी है, ये दवाई नकली कहां बनाई जाती हैं और इन्हें कहां कहां खपाया जाता है। पकड़ी गई दवाओं में बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं, इनकी नकली दवाएं मार्केट में धड़ल्ले से देखी जा रही हैं। पुलिस और ड्रग्स विभाग ने भारी संख्या में दवाई पकड़ी है, सर कहां से दवाई पकड़ी है और किस तरह का ये खेल चला? देखिए, ये मोदी नगर पुलिस और औषधि विभाग की, जिसमें औषधि निरीक्षक थे, उनकी टीम ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त जिसका नाम रूपचंद पुत्र जयप्रकाश है, वो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स जो दवाइयाँ हैं वो रिकवर की गई हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं। और इसमें औषधि निरीक्षक के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ पुलिस के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर फिलहाल कोर्ट में भेजा जा रहा है रिमांड के लिए। और इसमें एक वांछित अभियुक्त जो कि ये रूपचंद का लड़का है रवि, उसकी तलाश जारी है, आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। और खास करके अब इनके नेटवर्क को तोड़ने में कहाँ से ये लोग नकली दवाई लाते थे और कहाँ मार्केट में बेचते थे, उसकी भी छानबीन और जांच पड़ताल की जा रही है। कब से कर रहे हैं सर इस काम को? देखिए, इन्होंने जैसे अभी इस दुकान का लाइसेंस जनवरी 2023 में, जैसा कि ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया है, लिया था और उसके बाद से एक ये इस तरह के बिजनेस में संलिप्त थे। जानकारी कल ही जब ड्रग इंस्पेक्टर आए वहाँ पे थाने मोदी नगर पे, उन्होंने सूचना के साथ पुलिस की टीम को साथ लिया और जाके वहाँ पे संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि नकली दवाइयां कहां बनती थीं और कहां खपाई जाती थीं। फिलहाल रूपचंद नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। रूपचंद के बेटे रवि की तलाश पुलिस कर रही है। इसके साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पास दवाइयों की खेप कहां से आई और कहां भेजने वाले थे। मामले में औषधि विभाग के साथ साथ पुलिस भी विधिक कार्रवाई कर रही है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।